Tayo! Click here to subscribe! साफ रहने में ही समझदारी है। जीनी टियो के पास जांच के लिए प्रोडक्शन प्लांट आई है। हाँ, ये तो डीजल है। हेलो जीनी। इतनी बदबू, डीजल, तुम इतने गंदे क्यों हो? इतना गंदा तो नहीं लग रहा हूँ मैं। है? अच्छा ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेकअप के लिए आई हूँ। और तुम? मेरे अंदर कुछ खराबी थी, टियो ने मुझे ठीक कर दिया। अच्छा हुआ। तो मैं काम पर चलता हूँ। ठीक है, बाय डीजल। फिर मिलेंगे। हेलो टियो। ओह हेलो जीनी। ओह तुम्हारे कपड़े। ओह ये डीजल को ठीक करते हुए गंदे हो गए। सच कहूँ तो मुझे उसकी काफी चिंता रहती है। उसकी चिंता? वो बीमार है? नहीं, लेकिन वो खराब होता रहता है क्योंकि वो नहाता नहीं है। क्योंकि वो नहाता नहीं है? अगर डीजल तुम्हारी तरह साफ सुथरा रहता तो वो खराब नहीं होता। जीनी को अपने दोस्त डीजल की चिंता होने लगी। मैं आ गया। ओ, हेलो डीजल। हेलो। हाय। डीजल, तुम अब तक नहीं नहाए हो? लेकिन क्यों? तुम बहुत गंदे हो रहे हो डीजल। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, माल गाड़ियाँ हमेशा गंदी रहती हैं। हेलो दोस्तों। हेलो लोको। क्या हाल है दोस्त? लोको भी मालगाड़ी है लेकिन वो साफ है। अरे छोड़ो भी, मैं थक गया हूँ, कल नहाऊंगा। क्या तो ऐसे ही सोने चले जाओगे? अगर डीजल तुम्हारी तरह साफ सुथरा रहता तो वो खराब नहीं होता। इसे नहाना ही पड़ेगा। डीजल ट्रेन वॉश में जाओ और नहा के आओ। मैं नहीं जा रहा। तो मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी जब तक तुम नहाने नहीं जाओगे। डीजल अच्छा यही रहेगा कि अब तुम नहा लो। मैं थक गया हूँ, चलो ठीक है नहा लेता हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि वो हमेशा साफ रहे ताकि वो फिर से बीमार ना हो। अगली सुबह हो चुकी है, डीजल अब तक सपनों की दुनिया में है। डीजल चलो नहा लो। मेरा मन नहीं है। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। ये अंदर गई। पकड़ लिया। पता नहीं जीनी सोते हुए डीजल को कहाँ ले जा रही है। ओहो ट्रेन वॉश में। मैं वापस आ गया। डीजल काम खत्म हो गया, मेरे साथ घूमने चलोगे? ठीक है, कहाँ चलना है? मेरे पीछे आओ, पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम। ये घूमने की जगह नहीं है। धीरे धीरे चुपचाप। वो अभी तक आई नहीं है। आज मुझे नहाना नहीं पड़ेगा। डीजल सोने से पहले जरूर नहाना चाहिए। नया दिन शुरू हुआ। ये रहे टीटीपो और डीजल। डीजल गुड मॉर्निंग। टीटीपो आज तुमने जीनी को देखा क्या? वो काम पर जा चुकी है। क्यों? जीनी मेरे पीछे ही पड़ गई है, कल मुझे 3 बार नहाना पड़ा। मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा अब। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे क्या पता। खैर चाहे जो हो, जीनी को हर हाल में रोक के रहूँगा अब। डीजल डीजल क्या करने की सोच रहा है? डीजल टीटीपो तुम नहाने आए हो? मुझे पहले जाने दो। रुक जाओ, अंदर मत जाना अब। क्यों? हाय दोस्तों। हेलो जीनी, पहले तुम नहा लो। मैं बाद में नहा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। Yeah.
ओ, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने पानी में मिट्टी मिला दी है। देखो देखो कौन गंदा है। इस बार मैं उसे तंग करूंगा। क्या? उस पर मिट्टी लग गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। ओ, बेचारी जीनी। ओ, ओ, देखो आ रही वो अब। मजा आ गया। ओ, ये गंदी क्यों नहीं हुई? बाद में मिलती हूँ दोस्तों। फिर मिलेंगे जीनी। लेकिन मैंने मिट्टी डाली थी। बड़ी अजीब बात है ये। क्या गड़बड़ हो गई? ऐसा लगता मैं कुछ भूल गया हूँ। डीजल, डीजल, क्या तुम ठीक हो? जीनी, अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। डीजल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टिटीपो, टिटीपो। काम खत्म करने के बाद डीजल वापस शहर आ रहा है। ओ, ये तो जीनी है। ओ जीनी, तुम वापस आ गई। कीचड़, अब मजा चखाता उसे। उपसी, अब तुम भी हो गई गंदी। अब चखाता हूँ मजा। शाबाश जीनी। शुक्रिया। ठीक है, मैं कल मिलती हूँ मिस्टर हब। आराम करो। अरे नहीं। ओ, डीजल। डीजल। प्लेटफॉर्म पर आते हुए इतनी रफ्तार नहीं होनी चाहिए। मैं हजारों बार तुम्हें ये बात बता चुका हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बार बार ये बात। और फिर डीजल को सुबह तक मिस्टर हब से डांट खानी पड़ी। बहुत हो चुका, आज तो बदला लूंगा ही। डीजल, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी है। जानता हूँ, लेकिन आज जीनी बाहर गई है फूलों को देखने के लिए। हाँ तो? तो आज वो दिन है जब मैं जीनी से बदला लूंगा। चलो मैं चलता हूँ। टिटीपो। डीजल, आखिर ये जीनी है कहाँ पर? वो रही। हाँ? ये बहुत भारी है। डीजल, तुम काम कर रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है। लग तो रहा है, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मुझे ये सामान पहुंचाना है, लेकिन मुझ में ताकत नहीं बची है। जीनी, क्या तुम मुझे थोड़ा सहारा दे सकती हो? जरूर, क्यों नहीं। मैं तैयार हूँ। हाँ? तो ठीक है। ये सब क्या है? ओ, माफी चाहता हूँ जीनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ डीजल। ये सुनकर मेरे दिल को आराम मिला। ओ, अच्छा सुनो, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय। डीजल। मैंने बदला ले लिया। ओ, ये क्या हुआ? मैं सच में खराब हो गया। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मेरे अंदर फिर से खराबी आ गई है। क्या? फिर से? एक मिनट यहाँ रुको। डीजल, पहले तुम्हें जोड़ लेती हूँ, फिर प्रोडक्शन प्लांट ले चलूंगी। सच में? लेकिन क्या तुम पहले नहाना नहीं चाहोगी? मैं धूल की परवाह क्यों करूँ, जब मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। मुझे लगा कि गंदा रहना तुम्हें पसंद नहीं, और इसीलिए तुम मुझे हर बार नहाने के लिए भेजती रहती थी। दरअसल टियो ने बताया था, साफ नहीं रहने से तुम खराब हो रहे हो। मैं मदद करना चाहती थी। क्या सच में? क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तंग करती हो। इसीलिए मैंने तुम पर ये खाद गिरा दी और तुमसे बदला लेने की कोशिश की। क्या?
माफ कर दो मुझे, सच में मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मुझे माफ कर दोगे प्लीज? अगर तुम साफ सुथरे रहोगे तो मैं माफ कर दूंगी। ठीक है, अब मैं हर रोज नहाऊंगा। शुक्रिया जीनी। अब चलते हैं तुम्हें ठीक करवाने। अगले दिन की शुरुआत। कैसे हो दोस्तों? डीजल, तुम कितने साफ हो गए। हाँ, मैं शहर की सबसे साफ रेल बनकर दिखाऊंगा अब। अब मुझे तुम्हारे खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक कहा, अब मैं तुमसे भी ज्यादा साफ हूँ। ये बदबू कैसी है? लगता है किसी ने कल की खाद को धोया नहीं है। क्या? किसी को नहाने की जरूरत है। मैं नहा चुकी हूँ दो बार। लगता तो नहीं मुझे बदबू आ रही है। ओ टीटीपो, तुम भी मेरी तरह अच्छे से नहाया करो। क्या? लेकिन मैं अभी नहा कर आया हूँ। देखो इतना काफी नहीं है, तुम्हें खुद को ज्यादा साफ रखना चाहिए। डीजल। जीनी की वजह से डीजल अब एक साफ सुथरी रेलगाड़ी है। चलो अच्छा हुआ डीजल। मिस्टर स्टीम का नया काम। आज टीटीपो की छुट्टी है। एरिक। टीटीपो, गुड मॉर्निंग। तुम बाहर खेलने चलोगे? मैं नहीं जा सकता, मुझे दोपहर में कुछ काम है। काम है? तो आज मैं क्या करूं? तुम मिस्टर स्टीम के पास क्यों नहीं जाते? मिस्टर स्टीम कौन है एरिक? वो पुराने जमाने के भाप के इंजन हैं। उनके साथ बहुत मजा आएगा, काफी मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं। मजेदार कहानियाँ? वो पुराने जमाने के किस्से सुनाएंगे तुम्हें। उनसे मिलने का मन कर रहा है। वो शहर के बाहर एक स्टेशन पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक। मस्ती करना टीटीपो। हाँ जरूर। कहाँ पर होंगे वो? ओ, जरूर यही मिस्टर स्टीम होंगे, मजा आएगा। जरा सुनिए। लगता नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम है टीटीपो। टीटीपो, मिलकर खुशी हुई। मुझे स्टीम कहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी। बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? एरिक ने कहा आपसे मिल लूं। उसने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी और मजेदार कहानियाँ हैं। ऐसा कहा? जी, मैं उनमें से कुछ मजेदार कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। जरूर सुनाऊंगा तुम्हें। अब कौन सी कहानी सुनाऊं मैं? क्या तुम जवान मिस्टर हर्ब की कहानी सुनना चाहोगे? जवान मिस्टर हर्ब जरूर सुनना चाहूंगा। इस बोर्ड पर बनी तस्वीर को ध्यान से देखो। बोर्ड पर बनी तस्वीर? ये तो मिस्टर हर्ब है। ये मिस्टर हर्ब है। इस तस्वीर में ये आदमी सच में मिस्टर हर्ब है? वही है। पहचानना मुश्किल हो रहा है ना? जी। उन दिनों तुम्हारे मिस्टर हर्ब बहुत सारी गलतियाँ किया करते थे। मिस्टर हर्ब गलतियाँ किया करते थे? बिल्कुल, मुझे जवान हर्ब अच्छी तरह याद है। हर्ब, कहाँ चला गया ये? हर्ब, कहाँ हो तुम? याम 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 याम। स्टीम, इतनी देर से तुम अंदर क्या कर रहे थे? जरा मेरी आंख लग गई थी। जवान हर्ब हमेशा झपकियां ही लेता रहता था। मैं अपने दोस्तों को जाके ये कहानी सुनाऊंगा, सब हैरान रह जाएंगे। तो अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। परसों पहले पुरानी तरह की ट्रेन। मिस्टर स्टीम और टीटीपो ने पुराने जमाने की मजेदार कहानियां सुनते सुनाते अपना समय बिताया। अपनी कहानियां सुनाने के लिए शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हैं तो फिर से आना तुम। जी जरूर। हाँ, आपका रूट कितने बजे है? मैं पुराने जमाने की रेल हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं दिया जाता। तो फिर आप पूरा दिन खड़े रहते हैं? हाँ। अच्छी किस्मत है।
आपको काम नहीं करना पड़ता और आप पूरा दिन सो सकते हैं। अगर कर पाता तो मैं काम जरूर किया करता टिटिपो। हाँ, वैसे यहाँ खड़े खड़े आप बोर हो जाते होंगे ना? हाँ। जब छुट्टी हो जाए तो मेरे साथ घूमने चलिए। घूमने? लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता और अब उम्र भी हो गई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, हम घूमने के लिए चलेंगे। टिटिपो, टिटिपो। काम खत्म करके टिटिपो मिस्टर स्टीन के साथ घूमने निकल पड़ा। बाहर आकर बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लगा? हाँ, जरा उधर देखिए। हाँ? वो है बंदरगाह। अरे वाह, ये कितना बदल गया है। अच्छा, बंदरगाह बहुत छोटा हुआ करता था लेकिन अब बहुत बड़ा है। कमाल है। अब मैं आपको वो रूट दिखाऊंगा जिस पर मैं जाता हूँ। ठीक है। हेलो। हाय सिंग सिंग, बाय। क्या अभी कुछ निकला था यहाँ से? वो मेरी दोस्त है सिंग सिंग, बहुत तेज चलती है। सच में तेज है? ये मेरे रूट पर आने वाले स्टेशन में से एक है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। दुनिया वाकई बहुत बदल गई है। वाह, देखो मम्मी, वो ट्रेन कितनी अच्छी और अलग है। अरे हाँ, शायद कोई पुरानी ट्रेन है। देखो, इसके ऊपर तो चिमनी बनी हुई है। क्योंकि मैं भाप का इंजन हूँ। मैं ये भी करता हूँ। वो कितना अच्छा है। क्या आप मुझे घुमा देंगे प्लीज? घुमा दूँ? नहीं बेटा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आओ बेटा, चढ़ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर स्टीम, आप ले जा पाएंगे ना? हाँ, कोई परेशानी नहीं, एक बार फिर से काम करके मजा आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। मिस्टर स्टीम को रूट पर जाकर मजा आ रहा होगा। मिस्टर स्टीम अगले स्टेशन पर पहुंच गए। आप ठीक है मिस्टर स्टीम? हाँ, बस थोड़ी सी खांसी है। मुझे लगता है ये मामूली खांसी नहीं है। लो, हम पहुंच गए स्टीम। इसके बहुत मजा आया। एक बार और शुक्रिया। कोई नहीं, थोड़ा आराम करते हैं। मिस्टर स्टीम, मैं हूँ एरिक। आप इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आ गए? ओह, हेलो एरिक, टिटिपो और मैं घूमने निकले हैं। मिस्टर स्टीम ने कुछ लोगों को सैर भी करवाई। वाह, क्या बात है। सॉरी मिस्टर स्टीम, पर मुझे अगले स्टॉप पर जाना होगा। अच्छा, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। मिस्टर स्टीम, क्या हुआ? मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। एरिक, माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मैं मदद के लिए फिक्स को बुला लेता हूँ। ठीक है, शायद मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था। फिक्स मिस्टर स्टीम को टीओ के पास ले जा रहा है। मिस्टर स्टीम, जांच के बाद आप बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। सारी मेरी गलती है, मुझे आपको बाहर नहीं लाना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, उस बच्चे को घुमाने ले जाना मेरी गलती थी और एरिक को भी मेरी वजह से ही देर और परेशानी हुई। लगता है अब घूमना मेरी किस्मत में नहीं। मिस्टर स्टीम। हेलो मिस्टर हब। ओ, आ गए तुम। मैंने स्टीम के बारे में सुना, क्या हो गया था आज? वो वहाँ खड़े खड़े बोर हो गए थे तो मैं उन्हें बाहर ले गया था, लेकिन फिर स्टेशन पर अचानक से उनका आगे बढ़ना रुक गया। समझ गया। माफी चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, असल में रिटायर होने के बाद स्टीम में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी मदद कैसे की जाए। अच्छा, जब वो काम करता था तो बहुत ही हंसमुख और जोशीला हुआ करता था। जानता हूँ, जब उन्होंने कुछ लोगों को सैर करवाई तो वो बहुत खुश थे।
ये ठीक रहेगा। मिस्टर हब, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, मिस्टर स्टीम को यात्रियों को घुमाना पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था शायद उन्हें ये करना अच्छा लगेगा। अगला दिन शुरू हो चुका है, शायद मिस्टर स्टीम की जांच पूरी हो चुकी है। हाय मिस्टर स्टीम, आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, अब पहले से ठीक हूँ। टीटीपो। हेलो मिस्टर स्टीम, गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग। हेलो। हेलो टीटीपो। मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ। स्टीम, कैसे हो तुम? ओह हर्बी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सवाल पूछना है? आज से मैं स्टीम ट्रेन का टूर शुरू कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसे लेकर जाओगे। स्टीम ट्रेन का टूर? आप वे स्टेशन के आसपास यात्रियों को घुमाएंगे? वाह, ये तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रियों को घुमाना है? तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल। मैंने आपके कुछ पुराने पुर्जे बदल दिए हैं, तो आप अब बिल्कुल तैयार हैं। सच? तो मैं दोबारा यात्रियों को घुमाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे शुक्रिया मत कहो दोस्त, ये आइडिया तो मुझे टीटीपो ने दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया टीटीपो। ऐसा करने के लिए शुक्रिया टीटीपो। कोई बात नहीं। वाह, कितने सारे लोग हैं। मिस्टर स्टीम आज बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश। सब लोग बैठ गए हैं तो चलूं? हाँ। तो टूर शुरू करते हैं। दूसरी पारी की बधाई हो स्टीम, यूं ही चलते रहो। मजा आ गया। मिस्टर स्टीम फिर से सफर पर निकल पड़े। आपकी यात्रा अच्छी हो मिस्टर स्टीम। डीजल को जलन हुई। बहुत सुहानी सुबह है, डीजल और लोको काम के लिए जा रहे हैं। हाय मिस्टर, गुड मॉर्निंग। हेलो डीजल, लोको। एक मिनट रुको, तुम्हें एक साथ काम पर जाना है। जी। लोको को काम के बारे में पता नहीं, इसलिए डीजल तुम उसे समझा देना। जी जरूर समझाऊंगा। लोको मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। जी बिल्कुल। शाम को मिलेंगे मिस्टर हब। गुड बाय। तो ये है हार्बर। क्रेनी के पास चलकर कंटेनर्स लोड करवाते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग क्रेनी। आओ, सही समय पर पहुंच गए। क्रेनी, आज कंटेनर्स धीरे धीरे लोड करना। धीरे? क्यों? लोको नया है, इसलिए उसे दिखाना कि काम कैसे होता है। ठीक है, मैं समझ गया। तो चलो अब शुरू करते हैं हम। लिफ्टिंग, लोडिंग, लोडिंग। लोको, ध्यान से देखो, हर कंटेनर के बाद थोड़ा आगे बढ़ो ताकि क्रेनी को अगला कंटेनर रखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से। समझ गया। अब जब डीजल का हो गया, अब मेरी बारी है क्रेनी। ठीक कहा बच्चे। ये उठाया उठाया और ये रखा। हर लोड के बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए जैसा डीजल ने मुझे सिखाया है। अब यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं अगले कंटेनर के लिए तैयार हूँ। ओहो, जल्दी सीख गए। तो लो, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा। लो, तैयार हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ, पहले दिन तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा अच्छा किया है लोगों ने डीजल। कुछ भी बोलते रहते हो तुम। अब हमें चलना चाहिए। साथ चलो लोको। बाय, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? लोको अच्छा है क्योंकि मैं उसे सिखा रहा हूँ। लोको और डीजल खदान में पहुंच गए।
बस थोड़ा सा और आगे आ जाओ तुम। ठीक है, हाँ काफी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया लोगो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नई ट्रेन तो बहुत समझदार लगती है। तुमने ठीक कहा, और इसका तो आज पहला दिन है काम पर। बहुत बढ़िया, मैंने इसे सब कुछ सिखाया। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि डीजल क्या चीज है। मैं भी लोडिंग के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैं इन्हें हैरान कर दूंगा। शायद अब मुझे चलना चाहिए। वहाँ पर तो काम चल रहा है। रुक जाओ लोगो। अरे रुको, अरे रुको डीजल, इसे क्या हो गया रहा है? लोगो रुक जाओ लोगो। तुमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का निशान नहीं देखा क्या? निशान? कैसा निशान? वो रहा। जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डीजल। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। डीजल, तुम इस तरह भाग नहीं सकते। सारी लाइन पर पत्थर गिर गए। मैं भूल गया। मैं माफी चाहता हूँ। तुमने नो सीखियो वाली गलती की है डीजल, जबकि लोगों ने अच्छे से लोड कराया। डीजल तुम थोड़ा ध्यान से काम करो। एक तो लोगों की मदद करो और ऊपर से इन सब की बातें भी सुनो। काम पूरा करने के बाद डीजल और लोगों वापस शहर की ओर चल पड़े। लेकिन डीजल का मूड तो कुछ खराब सा है। हम वापस आ गए मिस्टर हब। अच्छा काम किया दोनों ने। लोगों, काम का पहला दिन कैसा रहा? वो आज डीजल ने मुझे लोगों, मैंने आज तुम्हारे काम की बहुत तारीफें सुनी हैं। ज्यादातर रेल डर की वजह से गर्दियाँ कर देती है। तुमने कमाल कर दिया लोगो। शुक्रिया। डीजल को ये देखकर बुरा लगा कि सिर्फ लोगों को ही शाबाशी मिली। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि लोगों को अच्छा काम करना इस डीजल ने सिखाया है। जीनी, कोई जरूरी काम है। मिस्टर हब तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें पता है उन्हें क्या काम है? मुझे नहीं पता, बाकी सारी रेल वहाँ पहुँच चुकी है। जल्दी चलो। अच्छा, तो फिर चलते हैं। अरे तुम भी यहाँ पर हो। हाँ, सब लोग आ चुके हैं, शुरू करते हैं। आज के बाद से माल ढुलाई का काम डीजल नहीं लोगों करेगा, वो अच्छा करता है। सच में? लोगो चूचू टाउन की सबसे अच्छी मालगाड़ी है। तो फिर मैं कौन सा काम करूंगा अब? तुम लोगों के सहायक बन सकते हो। क्या, मैं इसका सहायक बनूं? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं नहीं बन सकता। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो क्या आइडिया आया है मुझे। चिचीपो, चिचीपो। अगली सुबह हो चुकी है। डीजल कुछ ज्यादा ही माल बोगियां ले जा रहा है। आज मेरी ताकत देखकर सब तारीफ करेंगे। डीजल तो कमाल का है। लोगों से तो काफी बेहतर है डीजल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीजल। अरे आज इतनी माल बोगी क्यों ले आए हो? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। तुम्हें पक्का विश्वास है डीजल? मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, लोडिंग हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डीजल, तुम्हें लगता है कि तुम ये खींच पाओगे? कोई शक नहीं है डीजल। हाय लोगो। तुम्हारा स्वागत है लोगो। गुड मॉर्निंग सर। वाओ डीजल, तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है।
मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? जोर लगाऊं? पहले ही कहा था तुम कुछ ज्यादा ही लोड ले जा रहे हो। अब हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। हाँ बोलो। क्यों ना डीजल और मैं सामान को बराबर बराबर बांट लें? हाँ ये अच्छा आइडिया है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये सामान हार्बर लेकर जाना है ना? हाँ ठीक है। तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, खुद ही रास्ता ढूंढ लेना तुम। बाय। डीजल हेलो। लोको कहाँ है? तुम भी उसी को पूछोगी जीनी? जानता हूँ कि तुम उसकी तारीफ करना चाहती हो जबकि मैंने उसे सब कुछ सिखाया है और तारीफें उसको मिल रही हैं। ये ठीक बात नहीं है। क्या कह रहे हो, सब तुम्हारी भी तारीफ कर रहे हैं। जीनी टिटिपो आ गए तुम लोग। मिस्टर हब, क्या लोको ठीक काम कर रहा है? उसे परेशानी हो रही होगी। वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे चिंता थी लेकिन डीजल की वजह से वो ठीक से सीख रहा है। ठीक कहा आपने, सब कह रहे हैं डीजल एक बहुत अच्छा टीचर है। वाह, डीजल कमाल का है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, लोको ने भी कहा उसने सब कुछ तुमसे सीखा है। लोको ने कहा? तो तुम्हें पता है वो इस समय कहाँ पर है? वो हार्बर गया था। वापस आते हुए मैंने देखा था बंदरगाह के ट्रैक पर काम चल रहा था, वो ठीक तो होगा ना? काम चल रहा था? मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे। परेशान होकर डीजल लोको को ढूंढने निकल पड़ा। लोको को अभी रास्तों का पता भी नहीं है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो? ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोको तुम ठीक तो हो ना? क्या हार्बर जाने वाली लाइन पर काम चल रहा है, तुम अकेले गए तो मैं डर गया। हाँ, चिंता मत करो, तुमने सब अच्छे से सिखाया था। क्या मैंने सिखाया? क्या तुम्हें याद नहीं है डीजल? जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। जब मैं हार्बर जा रहा था मैंने वही निशान देखा तो मैं दूसरे रास्ते चला गया। हाँ सही कहा, मैंने ही तो कहा था। हाँ। लोको तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया डीजल। कहा था ना मेरे साथ रहोगे तो सब सीख जाओगे। ये सच है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, एक शानदार और मजबूत मालगाड़ी। लोको अगर जमकर मेहनत करोगे तो जल्दी ही मेरे जैसे बन जाओगे। वाह, पक्की बात? पक्की बात। डीजल की वजह से लोको ने पहले ही दिन अच्छा काम किया। शाबाश डीजल।